हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स के लिए चैप्टर फोर्थ। ओके, ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट करना। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज में हमने कल पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं मोस्टली लाइक शुगर, सॉल्ट, ये आसानी से वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और सैंड हो गया है ना, मर्ड हो गया, ये डस्ट हो गई, चॉक पाउडर हो गया, ये वाले आसानी से ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन था, क्या लिक्विड्स भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं प्रॉपरली और नॉट? पानी के अंदर जो लिक्विड्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते? तो एक्टिविटी 5 के अकॉर्डिंग हम इस चीज को क्लियर करेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपको ये सारे लिक्विड लेने हैं, कल सैंपल कलेक्ट करने हैं। ओके, टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप ऑफ हाफ विथ वाटर। आपको ग्लास टम्बलर लेना और इसको आधा पानी से भरना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टेर इट वेल। आपको आपने जितने भी सैंपल्स लिए हैं हर एक का आपको एक एक चम्मच पानी के अंदर डाल करके अच्छे से चलाकर देखना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। अब उसको पानी को अनडिस्टर्ब होके रखना है, यानी कि पानी को थोड़ी देर, मतलब 5-10 मिनट के लिए हमें वैसे के वैसे रखना है ताकि वो रुक जाए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। क्या जो वाटर के अंदर लिक्विड है वो मिक्स हो गया? जैसे 4.5 में हमें दे रखा है, रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। तो हो रहा है नहीं हो रहा वो हमें इसमें लेना है। तो विनेगर है, ठीक है, विनेगर को हम सिरका भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये वाटर के अंदर मिक्सेस वेल होगा या डज नॉट मिक्स, इसका आंसर दे रखा है। विनेगर वाटर के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, या मोस्टली वैसे जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है लाइक लेमन हो गया, ठीक है, विनेगर हो गया, ये वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ऑरेंज हो गया है ना, तो लेमन जूस हो गया, ये भी क्या होगा, वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की बात करेंगे तो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डज नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल भी डज नॉट मिक्स, कैरोसिन भी डज नॉट मिक्स, क्योंकि किसी भी तरह का ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। तो ये टेबल को फिल करके अपनी होमवर्क में आप लोग कर लेना। ओके, वी नोटिस that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो इस के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे, आपने देखा भी होगा तेल, पानी के अंदर तेल गिर जाता है तो उसकी लेयर अलग से ऊपर ही आपको पानी के ऊपर दिखाई देगी, वो पानी के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। लेमन जूस आप डालोगे वाटर के अंदर तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इसमें लेमन डाला भी है। तो कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते, ठीक है, सेपरेट लेयर क्रिएट कर लेते हैं वाटर के ऊपर। बूझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर। पहली इज क्रूशियस टू नो वेदर ग्लास गैसेज ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो बूझो ये सजेस्ट करता है कि आप इन लिक्विड्स को और भी किसी लिक्विड के अंदर मिक्स कर सकते हो पानी के अलावा, कि वो मिक्स होते हैं या नहीं होते, ठीक है। और पहली ये जानना चाहती है कि जैसे सॉलिड और लिक्विड का हमने देखा, क्या गैसेस में भी ऐसा होता है? सो सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। तो कुछ गैसेस होती हैं जो पानी के अंदर क्या होती हैं, मिक्स होती है, और कुछ नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। और वाटर के अंदर कुछ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं कुछ गैसेस की भी, जैसे ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो हम बात करें तो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, जबी तो पानी के अंदर रहने कुछ मात्रा होती है ऑक्सीजन की पानी के अंदर, तभी तो जैसे फिश हो गई और एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो उसके अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज का हम होमवर्क चेक कर देख लेते हैं, हमारा होमवर्क क्या है। ये वाला जो टॉपिक है कि पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करते हैं, फ्लोट भी करते हैं, सिंक भी करते हैं, तो कौन से फ्लोट करते हैं, कौन से सिंक करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, होमवर्क देखते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाइए।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब नंबर फोर्थ आती है स्टेट ट्रू और फॉल्स, और एक वो टेबल और एक ये आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ऑपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास ऑपेक होती है, तो ये क्या है? फॉल्स, ठीक है। अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक के अंदर लस्टर आई थिंक नहीं होता, आई थिंक क्या सच में ही नहीं होता, नोटबुक लस्टर थोड़ी ना होती है, ठीक है, ऑपेक होती है। और वो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। चॉक डिसॉल्व इन वाटर, नो फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, अगर आप लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर डालोगे तो फ्लोट करेगा, तैरेगा, यस, तो यहाँ ट्रू आएगा। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी की शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, गलत, डिसॉल्व होती है। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, अभी हमने पढ़ा वाटर के अंदर किसी भी तरह का ऑयल मिक्स नहीं होता है, तो यहाँ फॉल्स आएगा। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, वाटर के अंदर सैंड जो होती है वो नीचे की ओर बैठ जाती है, बिल्कुल सही है। विनेगर डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही है। तो ये 8 ट्रू फॉल्स हैं जो आपको होमवर्क में अपने करने भी हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू।